teacher, today we'll discuss about class 9 NCERT lesson lines and angle. This is part 27 video. In this video, we'll discuss about exercise 6.2 question number 5. Okay, see the question. In the given figure, if AB parallel to CD, क्या देख रहे हैं given figure में ये AB और CD क्या है यहाँ पर parallel है. Angle APQ 50 degree है. एंड एंगल पी आर डी ये वाला एंगल कितना है 127. क्वेश्चन में क्या दिया है फाइंड एक्स एंड वाई. आपको ये एक्स और वाई फाइंड आउट करना है. ओके अब यहाँ पर देखो ये लाइन ए बी ये आपकी लाइन है ए बी ये ए बी और ये सी डी लाइन है. मान लो यहाँ पर देखो अब ये सबसे पहले ये एंगल के साथ देखते हैं तो ये कितना है 127 है. ओके और यहाँ पर जो आपका ये वाला एंगल से एंगल पी तो ये कितना है यहाँ पर दो एंगल्स देख रहे हैं 50 एंड मतलब यहाँ पर ये 50 डिग्री और ये वाई है. तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स ये होल एंगल्स ये आपका होल एंगल्स और ये 127 डिग्री ये कौन से एंगल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. ओके पैरेलल लाइन पर कहां पर है ये पैरेलल लाइन पर ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ वाला ये वाला एंगल्स और ये होल एंगल्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. ओके और ये पैरेलल लाइंस पर है जब ये दोनों ए बी एंड सी डी क्या है यहाँ पर आपके पैरेलल लाइन से यहाँ पर जो ये नाम दे करे. ओके तो ये पैरेलल लाइंस पर है सी डी एंड ए बी. सो जो अगर टू लाइंस पैरेलल है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या रहेंगे यहाँ पर इक्वल रहेंगे. ओके सो यहाँ पर जो एंगल ए पी आर ये होल एंगल्स एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी ये वाला एंगल्स ये कैसे रहेंगे इक्वल्स रहेंगे. और यहाँ पर देखो एंगल ए पी आर में दो एंगल्स आ रहे हैं ये एंगल 50 डिग्री और ये वाई आ रहा है. ओके तो इससे हमारी वाई की वैल्यू मिल जाएंगी. तो देखो क्या होगा क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं सिंस यहाँ पर ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी ए बी पैरेलल टू सी डी ए. अगेन गिवन क्या देख रहे हैं यहाँ पर हमें एंगल्स गिवन देख रहे हैं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी कितना देख रहे हैं हमें यहाँ पर 127 डिग्री. ओके अब देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहले हम ये वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पर देखो एंगल यहाँ पर जब ये दो लाइंस ए बी एंड सी डी पैरेलल है तो यहाँ पर ये एंगल ए पी आर ये वाला एंगल एंगल ए पी आर इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका एंगल पी आर डी रहेगा बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स इक्वल्स रहेगा. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी पी आर डी. ओके रीजन क्या रहेगा ये आपके रहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कौन से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब रहते हैं जब टू लाइंस आर पैरेलल. ओके तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें टू लाइंस गिवन में देख रहे हैं ए बी एंड सी डी पैरेलल है. ओके तो दैट्स व्हाई ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी ये हमारे इक्वल बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ए पी आर में देखो ए पी आर में दो एंगल्स आ रहे हैं यहाँ पर 50 डिग्री और ये वाई आ रहा है तो वही लिखेंगे एंगल ए पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे 50 डिग्री प्लस वाई दोनों को मिलाकर ये एंगल्स आ रहा है इज इक्वल टू एंगल पी आर डी की वैल्यू क्या है पी आर डी की 127. ओके सब इससे वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पर 127 डिग्री ये जो शिफ्ट होगा तो क्या होगा माइनस 50 डिग्री सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 127 माइनस 50 कितना मिलेगा यहाँ पर 77 डिग्री मतलब यहाँ पर y की वैल्यू आपको कितना मिली 77 डिग्री ये y 77 डिग्री. अब यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर देखो सेम उसी तरह से ये दो लाइन से ओके और ये यहाँ पर देखो ये आपका x है ये दो लाइन पैरेलल है और यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये 50 डिग्री है. ओके तो ये भी क्या है यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पर ये 50 डिग्री और x
ओके तो एक्स की वैल्यू कितना मिलेगी यहाँ पर आपको 50 डिग्री मिलेगी क्योंकि ए बी एंड सी डी आल्सो पैरेलल लाइंस है और जब पैरेलल लाइंस पर आल्सो अभी बता दिया आपको कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल रहे थे तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना ये एंगल्स और ये एंगल्स आपके इक्वल रहेंगे मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितना मिलेगी 50 मिलेंगे तो यहाँ पर देखो एंगल ए पी क्यू नेक्स्ट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू ये एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर ये इक्वल रहेंगे रीजन सेम रहेगा कौन से आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी आपके क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ओके तो एपी क्यू की वैल्यू कितना है यहाँ पर एपी क्यू की वैल्यू 50 डिग्री है और पी क्यू आर क्या है आपका x है ओके सो देयरफॉर आपको x की वैल्यू कितना मिल रही है यहाँ पर सेम इस तरह से लिखते हैं 50 डिग्री x की वैल्यू कितना मिल रही है यहाँ पर आपको 50 डिग्री मिल रहा है बहुत ही सिंपल था जैसे यहाँ पर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यह बात ध्यान में रखने की ओके तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक यू